यूक्रेनी सेना का ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को तबाह किया। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना ने ड्रोन दागा था। रूसी एयर डिफेंस के एक्शन का वीडियो सामने आया है। चीन ताइवान पर किसी भी वक्त आक्रमण कर सकता है। जिनपिंग के आदेश के बाद चीन की सेना ताइवान स्ट्रेट के बेहद करीब पहुंच गई है। चीन की घेराबंदी की वजह से ताइवान पूरी दुनिया से कट गया है। अब ड्रैगन की सेना ताइवान पर कब्जे का अभियान शुरू करने जा रही है। जिनपिंग के ताइवान अभियान के पीछे रूस के राष्ट्रपति पुतिन का प्लान है। सवाल यही है कि आखिर पुतिन ताइवान फ्रंट पर युद्ध की आग क्यों भड़काना चाहते हैं। सोलह मई को पुतिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे। बीजिंग में ही रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच ताइवान को लेकर बातचीत हुई। 17 मई को पुतिन का चीन दौरा खत्म हुआ और इसके 5 दिन बाद ही चीन का ताइवान अभियान लॉन्च हो गया। पिछले 3 दिन से चीनी सेना ताइवान को घेर कर जो कुछ कर रही है वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि पुतिन और जिनपिंग का साझा ताइवान प्लान शुरू हो चुका है। चीन की सेना पीएलए किसी भी वक्त ताइवान पर आक्रमण कर सकती है। इसकी तैयारी 100% पूरी हो चुकी है। पीएलए ने ताइवान को चारों तरफ से घेर कर 2 दिनों तक विध्वंसक युद्धाभ्यास किया। इस ड्रिल का नाम था ऑपरेशन दंड, यानी ताइवान को दंड देने वाला सैन्य अभियान। युद्धाभ्यास के दौरान चीन की सेना ने ताइवान पर हमले का अभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में दर्जनों वॉरशिप, फाइटर जेट, बॉम्बर शामिल हुए। मिसाइल और रॉकेट से लाइव फायरिंग की गई। युद्धाभ्यास के बाद चीन ने अब जो कुछ किया है उससे ताइवान के साथ साथ अमेरिका भी दहशत में आ गया है। चीन की सेना ताइवान पर किस तरह से हमला करेगी उसका एनिमेशन जारी कर दिया गया है, जिसे चीन की सरकारी मीडिया सीसीटीवी पर प्रसारित किया गया। चीन ने इस एनिमेशन को जारी कर ऐलान कर दिया है कि वो ताइवान पर जल, थल और नभ से एक साथ विध्वंसक हमला करने वाला है। चीन की धरती से सैकड़ों मिसाइलें दागी जाएंगी। ठीक उसी वक्त समंदर में मौजूद चीन के वॉरशिप भी मिसाइलें उगलेंगे। आसमान से चीन के लड़ाकू विमान भीषण बमबारी करेंगे। चीन के बारूदी वज्रपात से ताइवान की धरती भस्म हो जाएगी, कुछ इस तरह। चीन ने हमले का सिर्फ ब्लूप्रिंट ही नहीं जारी किया बल्कि अमेरिका और ताइवान को बहुत बड़ी चेतावनी दी। जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका ताइवान से अपने सभी रिश्ते खत्म कर दे। अमेरिका ताइवान में अपने राजनयिकों के दौरे बंद करे। अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो वो इसके परिणाम के लिए तैयार रहे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह बयान इस बात का संकेत है कि चीन का ऑपरेशन ताइवान लॉन्च हो चुका है। अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए आएगा, यही वजह है कि चीन अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की हिदायत दे रहा है। पीएलए जिस वक्त ताइवान को चारों तरफ से घेर कर युद्धाभ्यास कर रही थी, ठीक उसी वक्त जिनपिंग चीन के शेंडोंग इलाके में पीएलए के कमांडरों से मुलाकात करने पहुंचे थे। सैन्य अधिकारियों से मिलने के बाद जिनपिंग ने पीएलए को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा।
चीन के ऑपरेशन ताइवान शुरू करने की टाइमिंग पर दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। 6 दिन पहले ही पुतिन बीजिंग दौरे से लौटे हैं, तो सवाल यही है कि क्या ताइवान अभियान बीजिंग और क्रेमलिन का साझा अभियान है। रूस और चीन की रक्षा नीति को जानने और समझने वाले विशेषज्ञ तो इसी बात की आशंका जता रहे हैं। पुतिन एशिया को अमेरिका और नाटो के वर्चस्व से मुक्त कराना चाहते हैं। इसके लिए वो एक बड़ा और मजबूत गठबंधन बना रहे हैं। आखिर कैसे, इसे समझिए। 16 मई को पुतिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे। यहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। माना जाता है कि पुतिन और जिनपिंग में ताइवान को लेकर बातचीत हुई। पुतिन के दौरे के बाद ही चीन ने ताइवान अभियान की शुरुआत कर दी। 23 मई को पुतिन मॉस्को से बेलारूस की राजधानी मिन्स्क पहुंचे। रूस और बेलारूस ने फिनलैंड से लेकर पोलैंड की सीमा तक न्यूक्लियर फोर्स की तैनाती कर रखी है। पुतिन ने इसका जायजा लिया। फिनलैंड से पोलैंड बॉर्डर तक न्यूक्लियर दीवार बनाकर पुतिन ने यूरोप को एशिया से काट दिया है, यानी नाटो को यूरोप तक सीमित कर दिया है। आने वाले कुछ दिनों में पुतिन उत्तर कोरिया जाने वाले हैं। प्योंगयांग में पुतिन और किम की मुलाकात होने वाली है। उत्तर कोरिया के जरिए पुतिन ने दक्षिण कोरिया और जापान को घेर लिया है। इसी के साथ कोरिया फ्रंट पर पुतिन ने अमेरिका और नाटो को सीधी चुनौती दे दी है। पुतिन आने वाले वक्त में ईरान भी जा सकते हैं। माना जा रहा है कि ईरान में नई सरकार बनने के बाद पुतिन तेहरान जाएंगे। रूस अरब युद्ध में ईरान का साथ दे रहा है। ईरान को सैन्य मदद देकर रूस ने उसे अपने साथ कर लिया है, और इस तरह से अरब में ईरान के जरिए अमेरिका को रूस चुनौती दे रहा है। पुतिन जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं, वो इस बात का संकेत है कि रूस अपना एक बड़ा और मजबूत गठबंधन बनाकर अमेरिका और नेटो के वर्चस्व को पूरी तरह से कुचलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पुतिन तीसरा विश्व युद्ध भी लड़ने के लिए तैयार है। पुतिन को नेटो के खिलाफ गठबंधन बनाने में लगातार कामयाबी मिलती जा रही है। रूस के साथ चीन, उत्तर कोरिया, ईरान जैसे बड़े और ताकतवर देश आ चुके हैं। इन्हीं की मदद से रूस अमेरिका के खिलाफ युद्ध के नए नए मोर्चे खोल रहा है। सबसे नया मोर्चा ताइवान का है। चीन की सेना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। ताइवान स्ट्रेट के पास ही चीन ने 3 बेस बना लिए हैं। इसमें 2 रॉकेट बेस और 1 मिलिट्री बेस है। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर रखा है। चीन ने 9 जगहों पर 27 वॉरशिप तैनात कर रखे हैं। इन 9 जगहों पर चीन के 62 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए हैं। चीन के युद्धपोत और फाइटर जेट पहले ताइवान स्ट्रेट से थोड़ा दूर थे, लेकिन अब बेहद करीब आ गए हैं। चीन के युद्धपोत और लड़ाकू विमान ताइवान स्ट्रेट में लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। ताइवान के मुताबिक चीन के 47 फाइटर जेट 24 घंटे के अंदर ताइवान के क्षेत्र में दाखिल हुए। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर कर दुनिया से पूरी तरह से काट दिया है। माना जा रहा है कि अब चीन आक्रमण कर ताइवान का विलय करने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ताइवान की रक्षा करने के लिए अमेरिका युद्ध में कूद पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू में इस बात की घोषणा कर दी है। जाहिर है, ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका चीन से युद्ध लड़ेगा, यही तो पुतिन चाहते हैं। अरब और यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका को एक और फ्रंट पर फंसाना। ताइवान के बाद पुतिन कोरिया फ्रंट खोल सकते हैं, और इस तरह अमेरिका और नेटो एक साथ कई जंग में न सिर्फ फंस जाएंगे बल्कि उसकी सैन्य शक्ति कमजोर हो जाएगी। और इस तरह से पुतिन और जिनपिंग का नेटो के वर्चस्व को समाप्त करने का सपना पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।